तो और भाई क्या हाल चाल, संस्कार से नमस्कार गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआईडी सुपर मॉम्स में एक कंटेस्टेंट आई है जो वर्तिका झा, कोरियोग्राफर वर्तिका झा के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज लेके आई है। ठीक है, वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब, मेरा नाम है एरी डार्क। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआईडी सुपर मॉम्स में। पहली चीज मैं आप सबको एक बात बता दूं, आप सब सुने होंगे कि ये आदमी मजदूरी करता है, वो आदमी मजदूरी करता है, लेकिन एक्चुअली में कभी सुने हैं कि ये औरत मजदूरी करती है। ठीक है, लेकिन जी हाँ मेरे भाई, ये बात सच है, सुने होंगे लेकिन बहुत ही रेयर केस में। बात करते हैं हम वर्षा के बारे में, जो कि मजदूरी करती हैं, गरीबी के कारण वो मजदूरी करती हैं, और मजदूरी के साथ साथ वो अपना डांस का प्रैक्टिस भी करती थी, और वही वजह है जो यहाँ तक पहुँची हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वर्तिका झा के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है, रीज़न ये है कि जो वर्षा है, जो मजदूरी करने के साथ साथ जो डांस का प्रैक्टिस करती थी, वो कहाँ से करती थी? आप सबको पता है, किसी से वो सीखती नहीं थी, बल्कि वर्तिका झा को फॉलो करती थी यूट्यूब पे, और जो भी सीखना हो वहाँ पे देख के वो सीखती थी। और वर्तिका झा को फॉलो करते करते, कोरियोग्राफर वर्तिका झा को फॉलो करते करते डीआईडी सुपर मॉम्स में धमाका किए हैं। ठीक है, धमाका बोल सकते हैं, धमाका किए हैं। ठीक है, और काफ़ी इनके फैंस भी बन चुके हैं इस समय। ठीक है, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि वर्षा के आप क्या फैन बने हो, क्या वर्षा की डांस परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और भाई वर्तिका झा के तो के लिए तो चैलेंज है ही, अगर ये कोरियोग्राफर बनती है इनकी तो। अगले वीडियो में लेंगे, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। लव यू गाइस एंड थैंक यू मेरे भाई लोग।